हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरी क्लास में बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं वृत्त यानी कि सर्किल। हाँ फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वृत्त किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स, किसी स्थिर बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का जो रास्ता होता है वह क्या कहलाता है? वृत्त कहलाता है। किसी स्थिर बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ एक वृत्त का निर्माण करता है, उसे हम वृत्त कहते हैं। और उस स्थिर बिंदु को वृत्त का क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं। यहां पे देख रहे हैं फ्रेंड्स कि यह एक स्थिर बिंदु O है और इससे समान दूरी पर स्थित ये रास्ता है, जिस रास्ते पर ए पी बी सब स्थित है। तो यही ये जो रास्ता है या पथ है, यही क्या है? एक वृत्त का निर्माण कर रहा है, यह वृत्त कहलाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं वृत्त का केंद्र। तो किसी भी वृत्त में जो स्थिर बिंदु होता है, जिसको हम सेंटर मानते हैं, वो सेंटर कहते हैं। तो उस स्थिर बिंदु को ही वृत्त का केंद्र कहते हैं और उसी स्थिर बिंदु से ही समान दूरी पर हम स्थित बिंदुओं का एक पथ बनाते हैं जो कि वृत्त का निर्माण करता है। तो उस स्थिर बिंदु को ही वृत्त का क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं, सेंटर कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब आइए हम बात करते हैं कि त्रिज्या क्या होती है। तो वृत्त की परिधि पर स्थित किसी बिंदु को वृत्त के केंद्र से मिलाने वाली जो रेखा होती है वो त्रिज्या कहलाती है। दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं फ्रेंड, कि वृत्त के केंद्र और परिधि के बीच की जो दूरी होती है, वृत्त के केंद्र और परिधि के बीच की जो दूरी होती है उसे हम वृत्त का क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, अब यहां पे आप देख रहे हैं वृत्त का केंद्र O है और उसकी परिधि पर स्थित बिंदु क्या है? P है। तो ये OP क्या है? एक त्रिज्या है। इसी तरह से केंद्र पर A स्थित है तो OA भी एक त्रिज्या है। उसी तरह से OB भी परिधि पर स्थित है तो OB भी क्या है? एक त्रिज्या है फ्रेंड्स। तो इस तरह से त्रिज्या क्या हो गई फ्रेंड्स, कि वृत्त की परिधि पर स्थित किसी बिंदु को वृत्त के केंद्र से मिलाने वाली जो रेखा होती है वो क्या कहलाती है? वृत्त की त्रिज्या कहलाती है ना, रेडियस कहलाती है। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स व्यास यानी कि डायमीटर। तो डायमीटर क्या होता है? वृत्त की परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली वह रेखा जो वृत्त के केंद्र से होकर के जाए, ओ से होकर के जाए ना, वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली वह रेखा जो वृत्त के केंद्र से होकर के जाए, वृत्त का क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है फ्रेंड्स। और जो व्यास होता है, आप चित्र में देख रहे हैं फ्रेंड्स कि यह जो व्यास है यहां पर AB है, यह व्यास क्या है? AB है। तो AB का निर्माण कैसे हुआ? OA और OB मिल करके AB का निर्माण करते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि किसी भी वृत्त का जो व्यास होता है उसमें दो त्रिज्या सम्मिलित होती है, यानी कि किसी वृत्त का व्यास यानी कि डायमीटर बराबर त्रिज्या का दो गुना यानी कि 2 × त्रिज्या यानी कि 2R। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे हम बात करते हैं फ्रेंड्स कि वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि क्या होती है? वृत्त के केंद्र से समान दूरी पर स्थित बिंदुपथ जो होता है उस बिंदुपथ की पूरी लंबाई, उस बिंदुपथ की पूरी दूरी जो होती है वही क्या कहलाती है? परिधि कहलाती है फ्रेंड्स। ठीक है, और किसी भी वृत्त की परिधि क्या होती है? 2πr यानी कि 2 × π × त्रिज्या यह होती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, किसी भी वृत्त का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या होता है फ्रेंड्स? वृत्त की परिधि से घिरे हुए क्षेत्र का जो क्षेत्रफल होता है, इसकी परिधि देख रहे हैं फ्रेंड्स ये है, तो इसकी परिधि से घिरा हुआ जो क्षेत्र है, पूरा ये क्षेत्र है ये देख रहे हैं, इसके अंदर जितना एरिया वह क्या है? वृत्त का क्षेत्रफल कहलाता है। और वृत्त का क्षेत्रफल होता क्या फ्रेंड्स? वृत्त का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो होता है πr² यानी कि π × त्रिज्या का वर्ग। अब आइए फ्रेंड्स हम बात करते हैं कि किसी वृत्त का चाप क्या होता है। ठीक है, तो चाप फ्रेंड होता है वृत्त की परिधि का कुछ भाग, वृत्त की परिधि का कुछ भाग। अब मान लीजिए पी से लेकर के चल रहे बी तक, तो यह एक क्या है? एक चाप है। पी से लेकर यहां तक आए तो यह भी एक चाप कहलाएगा। पी से लेकर ए तक गए तो यह भी पी ए एक चाप हो जाएगा। तो वृत्त की परिधि का कुछ भाग जो होता है वो क्या कहलाता है? वो एक चाप कहलाता है फ्रेंड्स। ठीक है, अब आगे चाप मतलब होता है आर्क, ध्यान दीजिएगा। अब आगे बात करते हैं फ्रेंड्स हम त्रिज्यखंड यानी कि रेडियस सेगमेंट।
ठीक है, रेडियस सेगमेंट। ये क्या होता है फ्रेंड्स? तो रेडियस सेगमेंट का मतलब होता है कि दो त्रिज्याओं और उसके बीच के चाप से घिरा भाग त्रिज्यखंड कहलाता है। अब यहां पे आप देखें फ्रेंड्स, यह दो त्रिज्या अगर हम ओपी और ओबी मान लेते हैं, तो ये दो त्रिज्याएं और एक इससे इसके बीच का जो चाप है, ये इससे घिरा हुआ जो भाग है, यही क्या कहलाता है? हमारा त्रिज्यखंड, यानी कि रेडियस सेगमेंट कहलाता है फ्रेंड्स। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब फ्रेंड्स हम आते हैं सीधे सीधे वृत्त से संबंधित कुछ सूत्रों पे। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट सूत्र होता है फ्रेंड्स, वृत्त का व्यास। तो वृत्त का व्यास बराबर होता है 2 गुणे त्रिज्या, यानी कि डी बराबर 2R, त्रिज्या का 2 गुना। अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि बराबर होता है 2π 2π × त्रिज्या, यानी कि परिधि सी बराबर सरकमफेरेंस, सी बराबर 2πR। और आगे फ्रेंड्स बात करते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई गुणे त्रिज्या का वर्ग, यानी कि एरिया ए बराबर पाई आर स्क्वायर। तो फ्रेंड्स ये रहा वृत्त के बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारी। अब हम बात करेंगे फ्रेंड्स कि वृत्त में कुछ जैसे कि रेडियस दिया हुआ है, तो हम उसका व्यास कैसे निकालेंगे, उसकी परिधि कैसे निकालेंगे और उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। आइए हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स। आइए अब हम जो वृत्त के विभिन्न फार्मूले हैं उनका प्रयोग करके कुछ प्रॉब्लम्स लगाते हैं। तो उनमें पहला हम प्रॉब्लम्स ले रहे हैं कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर हो तो व्यास, परिधि और क्षेत्रफल क्या होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इस सवाल को देखने के बाद, इस क्वेश्चन को देखने के बाद हमें क्या मिल रहा है कि वृत्त की त्रिज्या आर, आर बराबर क्या है? 5 सेंटीमीटर। अब फ्रेंड्स हम व्यास का फार्मूला लेंगे। तो व्यास बराबर पढ़े हैं हम 2 गुणे त्रिज्या, व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या, यानी कि डी बराबर डायमीटर, डी बराबर 2 × आर, 2 गुणे आर। तो बस डी बराबर 2 × आर, आर की वैल्यू 5 है, तो 2 × 5 = 10, तो 10 cm, यानी कि 10 सेंटीमीटर। यानी कि जिस वृत्त की त्रिज्या 5 होगी उसका व्यास कितना हो जाएगा? 5 × 10 cm। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा, वृत्त की परिधि। तो परिधि बराबर हम पढ़े हैं कि 2π × त्रिज्या, यानी कि c बराबर 2r। तो आइए इसको देख लेते हैं। परिधि बराबर हो गया 2πr, r की वैल्यू 5 है, तो यहां हमने 5 रख दिया, तो 2 × π × 5, तो 5 × 10, यानी कि परिधि बराबर हो गया 10π। अब 10π बराबर क्या हो गया? 10 गुणे। अब यहां पे फ्रेंड्स आ गया हमारा पाई की वैल्यू। तो आपको बता दें कि जो पाई की वैल्यू होती है वो 22/7 या 3.14 आता है। भाग देंगे 22 में 7 से, तो यही आएगा 3.14। तो पाई का मान 22/7 या 3.14 आप याद रखें और उसके अनुसार अपने कैलकुलेशन में जो है कि उसका प्रयोग करें, मान रखें। तो इस तरह से परिधि बराबर आ गया 10 × 3.14 बराबर, अगर 10 का गुणा कर दिए तो हो गया 31.4 सेंटीमीटर। अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बराबर होता है पाई गुणे त्रिज्या का वर्ग, यानी कि एरिया बराबर पाई आर स्क्वायर। तो इससे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, फार्मूला देख लेते हैं। क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, तो आर की वैल्यू 5 है, तो पाई गुणे 5 का स्क्वायर, तो बराबर हो गया पाई गुणे 5 का वर्ग, 5 × 5 = 25। तो अब पाई की वैल्यू हमने रख दी 3.14 और गुणे ये 25 रख दिया। अब इसका गुणा कर दिया मैंने 3.14 और गुणे 25, तो 25 × 4 = 100, 10 × 25 = 25, 10 × 35 हाथ में लगा 3, फिर 25 × 75 = 78, तो ये हो गया 78.50। और ध्यान देंगे कि क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में लिखा जाता है, तो वर्ग सेमी। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप अलग अलग इन सूत्रों का प्रयोग करके चाहे व्यास, चाहे परिधि, चाहे क्षेत्रफल निकाल लेंगे। कोई कुछ करने वाली बात समस्या नहीं है, बस आपको वैल्यू पुट कर देनी है। दो चीज़ें, आर की वैल्यू पुट करिए और आपको क्या करना है, पाई की वैल्यू रख देनी है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि यदि वृत्त का व्यास 15 सेंटीमीटर हो तो परिधि क्या होगी। तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, चूंकि हमें पता है कि व्यास बराबर 2 × आर, यहाँ पे व्यास का मान, व्यास डी बराबर कितना दिया है? 15 cm, ध्यान देंगे ये 15 cm व्यास दिया है। तो व्यास बराबर होता है 2R,
इसलिए आर बराबर क्या हो जाएगा, व्यास बटा के दो, ये दो गुणा के रूप में तो इधर जाएगा तो भाग के रूप में हो जाएगा, इसलिए आर बराबर व्यास बटा के दो। तो व्यास का मान 15 है तो 15 बटा दो कर दिया तो बराबर क्या आ गया 7.5 सेंटीमीटर, यानी कि वृत्त की त्रिज्या कितनी मिल गई 7.5। अब वृत्त की त्रिज्या मिल गई तो हम परिधि आराम से निकाल लेंगे, परिधि बराबर होता है 2πr, यानी कि 2 गुणे पाई की वैल्यू 3.14 और गुणे आर की वैल्यू 7.5। अब ये 2 गुणे 7.5 कर देंगे तो 15 हो जाएगा और गुणे 3.14, अब 15 का इसमें गुणा कर दिया तो आपको मिल गया 47.10 सेंटीमीटर मीटर। तो ये हो जाएगा आपका परिधि इसके आधार पे। तो फ्रेंड्स इसमें करना क्या है, आपको कोई भी सवाल दिया हो तो उसमें आपको पहले रेडियस यानी कि वृत्त की त्रिज्या हासिल करने की कोशिश करनी है, अगर त्रिज्या आ जाएगी तो बाकी सारे सवाल आपके आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, फ्रेंड्स अब हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि यदि वृत्त का क्षेत्रफल 616 वर्ग सेमी हो तो व्यास और परिधि बताओ। तो फ्रेंड्स घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्षेत्रफल बराबर क्या दिया है 616 सेमी स्क्वायर, ठीक है 616 सेमी स्क्वायर दिया हुआ है। अब हम क्षेत्रफल का सूत्र क्या जानते हैं, एरिया बराबर, तो क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, या आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा क्षेत्रफल बटा के पाई। तो अब हम क्या करें, क्षेत्रफल और पाई की वैल्यू रख दें तो आर स्क्वायर बराबर हो गया 616 बटा के 22 बटा के 7। अब ये देख रहे हैं फ्रेंड अंश बटा हर है तो इसको भी 616 बटा के क्या करेंगे हम एक कर देंगे, ये 616 बटा के एक कर देंगे। अब ये अंश और हर में ये भी हो गया और अंश और हर ये भी हो गया, तो अब क्या करेंगे सबसे ऊपर और सबसे नीचे को एक साथ कर देंगे, 616 गुणे 7 और बटा 22 गुणे एक करेंगे तो 22 आ जाएगा। अब इसको जब डिवाइड करेंगे फ्रेंड्स इससे तो हमारा आएगा क्या 28, तो 28 गुणे 7, ठीक है 28 गुणे 7 हो गया, तो 28 गुणे 7 को हम क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 7, ये 28 बने कि 4 7 28, तो 4 और 7 28 हो गया, ये 7 ऑलरेडी था तो ये हो गया। अब आर स्क्वायर बराबर इतना है तो आर बराबर क्या हो जाएगा, इसमें से एक वर्गमूल निकल जाएगा 2 और एक इसमें से वर्गमूल 7, 2 7 में से 1 7, तो 2 7 14, यानी कि 14 सेंटीमीटर क्या आ गई वृत्त की त्रिज्या हो गई, ये हमारा एक आंसर मिल गया वृत्त की त्रिज्या। अब इसी के आधार पर हम व्यास निकाल देंगे तो व्यास बराबर होता क्या है 2R, 2 गुणे त्रिज्या, तो 2 गुणे 14 बराबर 28 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर क्या हो गया इसका व्यास हो गया। और परिधि बराबर क्या होता है, परिधि बराबर होता है 2πr, 2πr का मतलब 2 गुणे पाई की वैल्यू 22/7। फ्रेंड ध्यान देंगे कि अगर कोई कटने लायक संख्या आर की वैल्यू लगती है तो हम 22/7 रख देते हैं, अगर नहीं कटने लायक रहती है तो भाई उसकी वैल्यू 3.14 अपनी सुविधा अनुसार हम रखते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे हमने क्या रख दिया 2 गुणे 22/7 और गुणे आर की वैल्यू 14 रख दिया, तो 7 से 14 डिवाइड हो गया तो आ गया 7 × 14 = 2। अब ये हो गया 2 गुणे 2 = 4 और 4 का 22 में गुणा कर दिया तो 22 × 4 = 88 सेंटीमीटर, तो इस तरह से इसकी परिधि आ गई, ये हमारा आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम अलग अलग, चाहे हमको व्यास दिया हो चाहे परिधि दिया हो या क्षेत्रफल दिया हो, उसमें हम उसकी वैल्यू को पुट करके और फिर आर को निकाल लेंगे, और जैसे आर को निकाल लेंगे वैसे जो भी पूछेगा हम उसको निकाल लेंगे लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स ऐसे ही सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें, हैप्पी लर्निंग, बेस्ट आप लोग।